एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। वैसे बिल्कुल भी आफ्टरनून जैसा मौसम नहीं है, बहुत ही सुहावना हो रखा है। और मैं अपनी ऊपर दुकान में हूँ, काफ़ी देर से हूँ। मेरा आज कोई इरादा नहीं था वीडियो शुरू करने का, ना पिछले दो दिन से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरे वीडियोस पीछे चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं बीच बीच में गैप कर रही हूँ। लेकिन मैं ऊपर कुकिंग कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये एक याद हो जाएगी कि मैंने अपनी दुकान में पहली बार कुछ कुक किया, बनाया, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं अभी आपको पूरा दुकान तो नहीं दिखाऊंगी, तो वैसे भी दुकान क्या दिखाऊं, दुकान दुकान की तरह है, सूट्स वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे कुछ पका रही हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आपको दुकान देखनी है तो आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। फिर अच्छा लगेगा, और ऊपर खाएंगे तो कुछ भी चाहिए। इंडक्शन गेरा गद्दे में मत चढ़ो, फिर गंदे पाओ। आज तो मजे बहुत ताकतवर है। मैं बना रही हूँ एक रेसिपी जो मैंने अभी देखी थोड़ी देर पहले फोन में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, और उसका सभी सामान मेरे पास था, तो मैंने कहा क्यों ना बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनानी। तन्मय, एक थाली भी चाहिएगी, बड़ी प्लेट, बड़े वाली प्लेट चाहिएगी। गुड्डू दीदी, थाली लाओ। बच्चे बहुत खुश हैं। ये ब्रेड पकड़ाओ तन्मय। ब्रेड हैंड वॉश करके आए थे? नहीं, ब्रेड हैंड वॉश करके आए थे। हाँ, कर लेते हैं, बाहर करके होंगे, बाउंड्री का है। और ये ब्रेड बड़ी थाली करनी है ना? यस। गुड्डू को बुला, गुड्डू को। खाली नहीं आई, रट्टे किसमें बनाऊंगी। नमक भी नहीं आया, हो फोन करना पड़ेगा, ध्यान रखा था ना वहाँ पे, इसलिए। तो इस तरह की जो खाना बनाने में भी एक अलग ही मजा है, क्योंकि अच्छा लगता है, अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। और मेरे बच्चों का बड़ा मन है यहाँ कुछ पके, ऊपर छत पे, मतलब दुकान में नहीं, उनका मन है कि यहाँ पे कुछ पके। क्यों भाई तन्मय, कहाँ पे कैसे बनवाकर खाना चाहते हो, बताओ जरा कुछ। मम्मी पहले यहाँ पे सॉस ना, सॉस के बोतल में ना, कुछ सॉस ना कहीं पे जमा हुआ है, मैं उसे पिघला रहा हूँ। बस वही पिघलाओ मत अभी के लिए। ये तो बटर पिघला हुआ होना चाहिए था, थोड़ा सा मेल्टेड होना चाहिए था। चल ही रहा है, थोड़ा सा इस पे ही पिघला लेते हैं। ऐसे हमने मक्खन को पिघलाया है, और अब हम इस पे लगाएंगे ये है पास्ता सॉस। जब मैंने ये ली थी, विपिन की बहुत बात सुनी थी कि इसको कहाँ यूज करोगे, क्यों ले रहे हो खामोखा, मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकी उनको ना कोई चीजें लेने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मुझे बहुत है। मम्मी हमने बताओ ऐसी चीजें क्यों खरीदी थी, क्योंकि कभी कभी कभार आप यूज भी कर लेते हो ना, इसलिए आपने यूज कर लिया। नहीं समझते है ना आप, आपस में से कि ये चीजें कभी पिज्जा बाइट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल आप आई नहीं हो, मुझे फिक्का लगेगा। आपने बोला भी नहीं था, फिक्का लगेगा। ये टिश्यू लाऊं क्या, बता दो फिर क्या क्या लाना है। कुछ नहीं, बस चीज का है, उसको भी तो कद्दूकस करना है। नीचे किचन में इसीलिए तो ठीक था, चीज ही है तो इसको एक वो चीज भी लाऊं क्या, मुझे नहीं वो वाला नहीं चाहिए, इसमें ये वाला चाहिए, ये यूज हो जाएगा। चक्कू पाए, चक्कू बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। ये तुम्हारी वो लगी, अब तुम करोगे कुछ, तुम ही कर सकते हो। गैस ले आओ ऊपर सिलेंडर। तुमने कनेक्शन क्यों नहीं कराया ऊपर इन्वर्टर का, यार लाइट ही चली गई, अब कहाँ से बनेगा पिज्जा बाइट, बन गया पिज्जा बाइट। हो गई मेरे बच्चों की पार्टी, मेरे बच्चे तुम्हें कितने खुश थे पता है। बेटा बच्चा चलो नीचे चलो, अब यार अब तो बार बार नीचे ऊपर हो रहे हैं, आप पहली बार जा रहे हैं नीचे।
सामान लेने के लिए सामान उसके मैम घर है यहाँ, मुझे अभी तक घर पर आने हैं। कहाँ खाना है, यहाँ या नीचे? यहाँ तो लाइट चली गई थी, ऊपर तो बनने का फिर कोई जुगाड़ ही नहीं था, या तो फिर चूल्हा हो, चूल्हा जलाओ, लेकिन वो बहुत ही लंबा टाइम लेता और हमारे पास चूल्हा तो है लेकिन चूल्हे के लिए लकड़ी वगैरह नहीं थी। तो फिर नीचे आए, नीचे बनाया, लेकिन वो मेरे बच्चों का मन नहीं रहा जो वो ऊपर खाने का था, क्योंकि उनके ना बड़ा वो था कि हम यहाँ बैठ के खाएंगे, यहाँ कुर्सी डालेंगे, ऐसे खाएंगे। तो समझते हैं यार, बच्चा तो हमारे अंदर भी है, बस ये है कि हम बड़े जो है अपना बचपना रोक लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी बचपना तो सबके अंदर होता है, बस जिम्मेदारियां बड़ा कर देती हैं, इसी को बचपन कहते हैं। क्योंकि बच्चे ये सब सोचते ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बच्चों के दिमाग में ये बात ही नहीं आती। ये बातें भी जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे 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 हमारे मुँह से सुनते हैं, हमने अपने पेरेंट्स से सुना, तो ये चीज़ें भी हमारे दिमाग में धीरे धीरे तब आनी शुरू हो जाती हैं, या गृहस्थी के बाद आनी शुरू हो जाती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तब। तो अभी मैं दोबारा से बना रही हूँ, एक एक करके बनाया था मैंने, हालांकि बड़ा तवा है दो बन जाता, लेकिन इसके ऊपर कवर करना पड़ रहा है ताकि चीज़ मेल्ट हो, तो इसलिए एक एक बनाया है। तो ये लास्ट ही है, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे बच्चे का मन रह गया है, तो किसी दिन उनको ऊपर कुछ बना कर खिलाएंगे। बारिश जो है फिर से थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, और यहाँ पे दूध उबल रहा है, यहाँ पे चाय बन रही है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, भैया को भी चाय देनी है, मैं, विपिन और वो दो लोग भैया हैं उनको। और मैं यहाँ पे ना इलायची देख रही हूँ, इलायची डालूंगी, और मुझे ना सूटों का वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, इतने दिन बाद मैं ये काम कर रही हूँ, शायद महीना भर बाद, आलस सा आ रहा है यार, लगूंगी नहीं ना तब तक ऐसे ही होता रहेगा। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे ना मुझे शौक चढ़ा पड़ा है रील्स बनाने का, और मैं जब एक बार बैठती हूँ ना बनाने, तो एक ही साथ 4-5 बना देती हूँ, ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ बनाती हूँ, एक ही दिन बना लेती हूँ, फिर वो मैं किश्तों में एक एक करके डालती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम नाम से ही अकाउंट है, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा के नाम से आप सर्च करना, शायद मैं मिल जाऊँ, ना मिलूँ तो कोई बात नहीं, और हाँ आपको अच्छा लगे तभी आप सर्च करना। मैं इलायची डालती हूँ, 2 इलायची मिली है, इलायची ख़त्म हो गई, ये बिस्किट लेने गए हैं, और गर्मी लग रही है किचन में, वैसे ठीक है मौसम, वैसे पंखा तेज नहीं किया जा रहा, एक तो पॉइंट कम करना पड़ रहा है, वो सब हमने खा लिया है, थोड़ा सा प्याज और ये बच गया है, थोड़ा सा पनीर भी बच गया है, और वो पनीर अब इतना बचा है कि उसका क्या कर सकते हैं, सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, कोई सब्जी बना रहे हो उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, या फिर पनीर का पुलाव बना रहे हो उसमें मिक्स कर सकते हैं, सिंगल पनीर की कोई रेसिपी नहीं बना सकते उसके साथ। चल ही रहा है, और यहाँ पे ये मेरी चाय है जो कि मैं बहुत ही थोड़ी सी पीती हूँ, अरे अभी तो गिरी गई थी ये, थोड़ी सी भी, इतनी सी पीती हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ी सी, ऐसे ही मैं शाम सुबह को पीती हूँ, ऐसे ही मैं शाम को तो खैर आज मैंने 15 दिन हापुड़ गई थी तो मैंने शाम को नहीं पी, तब के बाद मैं घर से आई हूँ तब भी मैंने नहीं पी, क्योंकि लगा लो 15-20 दिन हो गए, आज पी रही हूँ मैं वो भी इतनी सी, और इतनी मैं सुबह में पीती हूँ, शाम में नहीं पीती हूँ मैं, सुबह में भी बस 2 घूंट चाहिए मुझे अपने आप को जगाने के लिए, बस बहुत है फिर, अब मैं चाय पीती हूँ। मीठा कम रख रही हूँ आजकल मैं चाय में, शायद भैया लोगों को पसंद नहीं आएगा, मैंने फिर भी 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाला, लेकिन अब भी उनकी लाइक शायद कम हो, विपिन से पूछेंगे अभी। ये देखो क्या हाल कर रखा है, क्या हाल किया हुआ है मेरे बच्चों ने। चाय पी नहीं अभी तक, एक भी सिप नहीं मारा। मीठा कैसा लगा? बढ़िया है। लाइट नहीं लगा आपको? इसका मतलब तुम भी कम पीने लग गए, क्योंकि मैं मतलब कम ही है, क्योंकि मुझे इससे भी हल्का सा कम हो चलेगा, कुछ नहीं, मैंने कहा भैया लोगों को तो कम मीठा लगेगा शायद, अगर वो तेज पीते होंगे तो। जोर जोर से जल बरसा, जल बरसा, मामा आया,
पढ़ो जोड़ के क्या है ये, क्या है ये, पहले एक एक वर्ड करके पढ़ो, क्या है ये? गिनी। हाँ ये, ये छह आ की मात्रा छाता, छाता लाया। गैप गाना, गाना चल जल्दी यहाँ शुरू हो जाए एकदम, ये क्या लिखा हुआ? कैसे बैठे हो, पहले पढ़ते हैं ऐसे? ये किताब से क्या कर रही हूँ, यू क्या कर? चल पढ़ इसे, यहाँ पढ़। तो आज दोनों बच्चों की मेरे घर में लग रही है क्लास उनके पापा के हाथ से। मम्मियों से तो रोज ही लगती रहती है, लेकिन पापा से कभी कभी लगती है, हमारी भी लगती थी। और आज जो है विपिन फुल दोनों बच्चों पे बरसे पड़े हैं, फुल ऑन दोनों को बातें सुनाई जा रही हैं, अपने ज़माने, अपने किस्से, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, जो कि हर पेरेंट्स करते हैं। हम भी जब छोटे थे हमारे पेरेंट्स भी करते थे, आप सबके घरों में भी होता होगा। और बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे पापा जो है बच्चों को डांटें और बच्चों की क्लास ली जाए। महीने, दो महीने, तीन महीने में जाके एक दिन पिताजी बैठते हैं कि चलो आज मैं बताऊंगा तुम्हें, बच्चों के पापा बैठते हैं। तो ऐसे ही जो है दोनों को लेके बैठे हुए हैं। तन्मय बिल्कुल नहीं सुनता है, गुड्डू फिर भी सुन लेती है, पढ़ लेती है, लेकिन हाँ दोनों ढील बरत रहे हैं। मेरे घर में काम लग रहा है तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ दोनों को कि बैठूँ। हाँ होमवर्क हो जाता है, क्लास वर्क हो जाता है, क्लास ले लेते हैं, तो मैं इनको बोल रही थी तो फिर विपिन आए कि आज मैं लूँगा इनकी क्लास। खाली कमरा कैसे लग रहा है और थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है, तो अभी तो काम चालू ही है। ये दीवार क्या छत हुई है इस, अभी यहाँ पे शायद कुछ और भी होना है, फिर उसके बाद होगा। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो एरिया है जहाँ हमने ये वाली टाइल्स लगवाई हैं, तो ऊपर नहीं लग पाई थी क्योंकि ऊपर नहीं लग पाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे गिर जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ब्राउन कलर का पेंट करा दें, इसी कलर का पेंट करा दें, क्योंकि ये फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा ये जब ये पूरे पे हो जाएगा। अभी सिर्फ इधर और उधर हुआ है, ऊपर वाली साइड भी अगर हो जाए तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी वैसे भी, इतने से भी, और जब कलर हो जाएगा तब तो और प्यारा लगेगा। मौसम ख़राब ही है और अभी तक तो ये बीच में इस तरीके से सामान है। दूसरे वाला रूम भी दिखाते हो, हाँ ये वाला, आवाज़ें गूंज रही थी। ये दीवार वाइट हो गई है, वाइट, ये शायद पहले पर्पल थी, हाँ शायद ये पर्पल थी, अब ये वाइट हो गई है। और पहले ना इस रूम में इधर भी दरवाज़ा था, जहाँ मेरा ड्रेसिंग रखा रहता है इधर दरवाज़ा था, आपको वो दिख रहा होगा, वो वहाँ वो था जिस जगह वो हो रहा है ना पर्पल पर्पल सा, ये यहाँ चौखट थी, तो यहाँ दरवाज़ा था पहले, और यहाँ से मतलब बाहर के लिए था कि बाहर के लोग आके बैठें इस तरीके से। लेकिन वो दरवाज़ा जब मैं इस घर में रहने लगी तो मैंने बंद करवा दिया, मैंने कहा यार इसकी क्या ज़रूरत है, पूरा घर चैनल से बंद हो गया। फिर यहाँ से दूसरा इस रूम को मुझे बेडरूम बनाना था, खिड़की से दिखता है सब कुछ, तो मैंने कहा यार ये बंद होना चाहिए दरवाज़ा। तो अभी इसको कवर कर देते हैं जब भैया वगैरह आते हैं काम करते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक दीवार पे वो कुछ डिज़ाइन करेंगे, देखते हैं क्या डिज़ाइन, पहले बुक देखूंगी फिर करवाऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस रूम में डिज़ाइन की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों दीवारों पे टाइल्स हैं, दो प्लेन दीवारें हैं, तो इस वजह से बाकी देखते हैं। तो बारिश लगी पड़ी है, किनमिन किनमिन हो रही है, और आज हमारे जो पुताई वाले भैया हैं वो नहीं आए हैं, कल भी वो दोपहर बाद आए थे, मतलब दोपहर तक बारिश थी, खूब तेज़ थे, सो नहीं आए थे। मुझे तो ये था कि आएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ वो लंच वगैरह कर आ गए थे, और आज उन्होंने मना ही कर दिया है कि हम आज आएंगे ही नहीं, कि दोपहर बाद काम भी नहीं होता है, टाइम कम होता है, तो फिर कह रहे थे कल आएंगे। बारिश है, बोल भी नहीं सकते भाई आओ, मतलब ये वो। तो अभी जो है ये दोनों बच्चे पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि हरेला पर्व है। वैसे जब ये वीडियो जाएगा तब तक हरेला पर्व जा चुका होगा, लेकिन फिर भी चलिए आपको हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर इनके वीडियोस बनाने हैं, और अभी जो है
तन में नहाएगा। सबसे पहले मैं ही नहा लेती हूँ सुबह में, बाकी कोई नहीं नहाता है, लेकिन ये टाइम तो जो है 12-1 बजे का है। तो यहाँ पर जो है तन्मय की भी वीडियो, बस उससे खुरपी सी लगवाई जा रही है क्योंकि वो तो नाश कर देगा, जड़ों को ख़राब कर देगा अगर उसके हाथ में छोड़ देंगे तो। गुड्डू तो अच्छे से कर लेती है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे। बाय बाय, गुड नाइट।